हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि पर्सिवल एक सिटी में जाता है जहाँ पर पर्सिवल को एक टैबलेट मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पर एना आ जाती है जो उनसे वो टैबलेट मांगती है। पर डैनी और मेशन एना से लड़ने लगते हैं, पर एना उन्हें बड़ी आसानी से हरा देती है। पर एना देखती है कि पर्सिवल का दिल बहुत ज़्यादा साफ था, इसलिए वो उस टैबलेट को पर्सिवल को संभालने के लिए दे देती है ताकि आयरन साइड के हाथ वो टैबलेट न लग जाए। पर एक डीमन उस टैबलेट को उनसे चुरा लेता है और आयरन साइड को दे देता है, जिस पर आयरन साइड उस टैबलेट से कुछ मॉन्स्टर को इस दुनिया में लाने का रिचुअल शुरू कर देता है, जिस पर पर्सिवल आयरन साइड को रोकने की कोशिश करता है। पर पर्सिवल आयरन साइड के सामने काफ़ी कमजोर पड़ जाता है और आयरन साइड पर्सिवल को जान से मारने वाला होता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि आयरन साइड पर्सिवल को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी एना बीच में आकर पर्सिवल को बचा लेती है और आयरन साइड से कहती है कि आखिर तुम कितने घटिया इंसान हो जो तुमने पहले अपने खुद के फादर को जान से मार दिया और अब तुम अपने बेटे को मारने की कोशिश कर रहे हो। पर आयरन साइड एना के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है, जिस पर एना उस पर हमला करना जारी रखती है। पर आयरन साइड बिना पीछे देखे ही एना के सभी अटैकों को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी एना कहती है कि उसका सपना है कि वो होली नाइट बनना चाहती है और एक होली नाइट होने के नाते वो अपने विलेज के लोगों को बचा कर ही रहेगी, जिस पर आयरन साइड एना से कहता है कि वो इन कपड़ों में उसे कभी नहीं हरा सकती है, जिस पर एना अपने कपड़े फाड़ लेती है और हम देखते हैं कि एना ने अंदर से दूसरी ड्रेस पहन रखी थी, जो देखकर आयरन साइड एना की हिम्मत की दाद देता है और उसकी तरफ देखकर कहता है कि चाहे एना कुछ भी कर ले वो उस पर एक खरोंच तक नहीं लगा सकती है, जिस पर एना आयरन साइड के चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और उससे लड़ने लगती है। और हम देखते हैं कि एना ने आयरन साइड पर एक अटैक कर दिया था, पर जल्दी हमें पता चल जाता है कि वो अटैक एना का नहीं बल्कि मेशन का था, जिसने अपने पॉइजन स्पेल से आयरन साइड को कमज़ोर कर दिया था। और उन लोगों के ऐसे ट्रिक्स को देखकर आयरन साइड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी पर एक अटैक करता है, पर वो लोग देखते हैं कि वो बस छोटे छोटे लाइट थे जो उनके चारों तरफ फैल जाते हैं। लेकिन तभी एना के फादर दौड़ते हुए वहाँ पर आते हैं जो उन सभी को उस लाइट से दूर हो जाने को कहते हैं, पर इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते वो लाइट्स आयरन साइड के क्रॉस अटैक में ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी को हिट कर जाती है। इसी दौरान हम डैनी को देखते हैं जो उस सिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर रास्ते में उसे एक डीमन दिखाई देता है जिसे देखकर डैनी की हालत खराब हो जाती है और वो अपना रास्ता बदलकर उस डीमन से दूर भागने लगता है। इसी बीच उसे एक माँ बेटी की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जिन्हें एक डीमन खाने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर डैनी को समझ नहीं आता है कि आखिर वो उन माँ बेटी को उस डीमन से कैसे बचाए। इसी बीच एना के फादर ने एना को उस अटैक से बचा लिया था, पर इसमें वो खुद बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे जिससे उनकी जान जाने वाली थी। पर पर्सिवल के पपेट्स एना के फादर और मेशन के चोटों को हील कर देते हैं, पर इसी बीच आयरन साइड ने पर्सिवल को पकड़ लिया था और उसे मारने वाला होता है, जिस पर पर्सिवल आयरन साइड से पूछता है कि आखिर आयरन साइड ने पर्सिवल के ग्रैंडफादर को क्यों मार दिया, जिस पर आयरन साइड बताता है कि वो हर उस नाइट को ख़त्म कर देगा जो आगे चलकर फोर नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स बन सकते हैं। साथ ही आयरन साइड को उसके खुद के फादर के मरने का गम भी नहीं था क्योंकि उन्होंने आयरन साइड से एक कीमती चीज़ को छीन लिया था। और जब वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी एना पर्सिवल को बचाने की कोशिश करती है, पर आयरन साइड एना को दूर उड़ा देता है और आयरन साइड का ध्यान भटकता हुआ देखकर पर्सिवल उस रिचुअल को बंद करने की कोशिश करता है, पर आयरन साइड पर्सिवल को जमीन पर पटक देता है और उसके हाथ के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे पर्सिवल दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जो चीज़ पर्सिवल के दोस्तों से देखी नहीं जाती है। पर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका सारा मैजिक खत्म हो गया था। तभी एना खुद को संभालती है और पर्सिवल की मदद करने आगे बढ़ने लगती है, जिस पर आयरन साइड एना से कहता है कि अगर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर एना अभी भी नहीं रुकती है, लेकिन तभी एना को आयरन साइड की डार्क ऑरा दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर के मारे एक ही जगह पर फ्रीज हो जाती है। तभी आयरन साइड पर्सिवल से कहता है कि वह इस टाउन के लोगों को मारने के बाद लियोनस किंगडम का भी यही हाल करेगा, पर इससे पहले वो पर्सिवल को आज यहाँ पर जान से मार देगा ताकि फ्यूचर में फोर नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स कभी एक दूसरे से ना मिल पाए। तभी आयरन साइड देखता है कि पर्सिवल के पपेट्स पर्सिवल के हाथ के घावों को हील कर रहे हैं, जिस पर आयरन साइड उन पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है
और परसिवल के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे परसिवल की मौत हो जाती है। जिसके साथ ही परसिवल के वो पपेट्स भी गायब हो जाते हैं, जिसके बाद आयरन साइड उस रिचुअल को दोबारा शुरू करने का फैसला करता है। तभी मेशन परसिवल के बॉडी के पास जाता है और उसे होश बनाने की कोशिश करता है, पर परसिवल कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। और दूसरी तरफ आयरन साइड भी उन पर ध्यान नहीं देता है और अपने रिचुअल पर फोकस कर रहा होता है। दूसरी तरफ मेशन परसिवल को होश में लाने के लिए उसे एक मेडिसिन पिलाने की कोशिश करता है, पर परसिवल उस ड्रिंक को नहीं पी पाता। लेकिन तभी एना अपने मुंह से परसिवल को मेडिसिन पिला देती है, पर उस मेडिसिन को पीने के बाद भी परसिवल होश में नहीं आ रहा था, जो देखकर परसिवल के दोस्त उम्मीद हारने लग जाते हैं। लेकिन तभी परसिवल का एक पपेट अपने आप फॉर्म हो जाता है, जो देखकर परसिवल के दोस्तों को लगता है कि परसिवल अभी भी जिंदा है। पर इसी बीच आयरन साइड इस चीज से काफी ज्यादा हैरान था और परसिवल को मारने के लिए उस पर एक और अटैक करता है, पर मेशन बीच में आ जाता है, जिससे वो अटैक मेशन को लग जाता है। और मेशन उस अटैक को इसलिए सरवाइव कर पाया था क्योंकि आयरन साइड मेशन के पॉइजन की वजह से थोड़ा कमजोर हो गया था। पर तभी आयरन साइड मेशन से कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो वो परसिवल को छोड़कर यहाँ से चला जाए, पर मेशन आयरन साइड की बात मानने से इनकार कर देता है। तभी एना भी लगातार आयरन साइड पर अटैक करने लगती है, और जब एना आयरन साइड पर लगातार अटैक कर ही रही होती है, उसी दौरान धीरे धीरे परसिवल के पपेट्स की संख्या बढ़ रही होती है, जिसका मतलब यह था कि परसिवल अब जल्दी होश में आने वाला था। वहीं दूसरी तरफ एना अभी भी आयरन साइड पर लगातार अटैक कर रही होती है, पर आयरन साइड एना के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल था। तभी आयरन साइड एना पर एक और अटैक करता है, जिससे एना के बाल कट जाते हैं। इसी बीच आयरन साइड देखता है कि परसिवल के वो पपेट्स अपने फुल पावर में आ गए थे और वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। तभी वहाँ पर डैनी भी आ जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को ऐसे पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी वो देखता है कि परसिवल की पावर उस पूरे एरिया में फैलने लगती है, जो देखकर आयरन साइड गुस्से से लाल हो जाता है और परसिवल को मारने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। पर अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि परसिवल पूरी तरह से होश में आ गया था। साथ ही परसिवल को उसकी पावर के बारे में भी सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि परसिवल के पास होप की पावर थी और परसिवल को उसके दोस्तों के विश्वास से पावर मिलती थी। वहीं दूसरी तरफ इस टाउन के लोग अभी भी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स उनके पीछे पड़े थे और आयरन साइड का वो साथी उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करके उस टाउन के सभी लोगों को मरवा रहा होता है। इसी बीच एक मॉन्स्टर एक छोटी बच्ची को खाने वाला होता है, पर तभी एक अनजान आदमी उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। इसी बीच आयरन साइड के उस साथी को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि कोई उन मॉन्स्टर को मार रहा है, लेकिन वो उस आदमी को देख नहीं पा रहा था और मॉन्स्टर धीरे धीरे मारे जा रहे होते हैं। तभी आयरन साइड ड्रेक से पूछता है कि क्या उसने लोगों को सेक्रीफाइस करने के काम को पूरा कर लिया या नहीं, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। पर उन मॉन्स्टर को अपनी आंखों के सामने ऐसे मरता देखकर ड्रेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो आयरन साइड से क्या कहे, और देखते ही देखते वो इंसान उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। तभी ड्रेक एक मॉन्स्टर से उस आदमी की लोकेशन पूछता है जो उन्हें मार रहा था, लेकिन वो आदमी उस मॉन्स्टर को भी मार देता है, साथ ही वो ड्रेक को भी खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरोज ये देखकर बहुत हैरान थे कि आखिर उन सभी मॉन्स्टर को कौन मार रहा है, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।